सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सर, आज का दिन शुरू हो चुका है और आज के दिन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हमें करनी है। जैसे कि आज दशा माँ का लास्ट दिन है, तो आज के दिन में आप विसर्जन भी होने वाला है। सेकेंड थिंग कि भाई सक्सेसफुली यार, आप लोगों के सपोर्ट के वजह से और आप लोगों के प्यार के वजह से आज भाई अपना जो मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी थी, अपना चैनल फाइनली मोनेटाइज होने तक आ चुका है। और लिटरली बोल रहा हूँ ये, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों के वजह से है। मतलब आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, उसके वजह से ही है सर। इसी तरह और भी मतलब सपोर्ट करते रहो इसी तरीके से यार, और भी मतलब जितना हो सके यार, मतलब बस अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करो और अपने भाई को यार जितना आगे लेके जा सकते हो प्लीज़ लेके जाओ, ठीक है। तो चलो गाइस, आज का व्लॉग इसी के साथ शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अभी मैं थोड़ा मेरा YouTube का वर्क लेके बैठा हूँ, जस्ट बिकॉज कि अपना अगर चैनल मोनेटाइजेशन लेवल तक पहुँच चुका है तो उसके लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अभी बस अपने यही सब काम कर रहे हैं और ये करने के बाद मुझे थोड़ा काम से भी बाहर जाना है, तो अपने साथ में रहना, आपको पूरा वीडियो देखना, आपको पता चलेगा एक्चुअली आज क्या क्या रहने वाला है। और जैसे कि मैंने कहा कि आज माता जी का विसर्जन है, तो उसके वजह से भी मतलब अभी नैवेद और ये सारी चीज़ें भी रहेगी। सो गाइस, आज के वीडियो पर बने रहिएगा, आज आपको थोड़ा बहुत मज़ा आने वाला है। और देखिए मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है नेक्स्ट, हर चीज़ ब्लॉग में डालता हूँ, ठीक है। तो सब लोग एवरी टाइम एवरी डे अपडेटेड रहे कि भाई बंदे की ज़िंदगी में चल क्या रहा है यार। चलिए गाइस, तो फिर कंटिन्यू रहिए और देखते रहिए। सो अभी हम बाहर निकल चुके हैं, जो मैंने कहा था, अभी हमें थोड़ा बहुत सामान भी लेना है और मुझे मेरी बीस्ट को वॉश भी करवाना है, जस्ट बिकॉज कि जैसे कि आपने देखा कल बीस्ट को हम जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो हम करवा के जब वापस आए उसके बाद यार टाइम ही नहीं था, जस्ट बिकॉज के पूजा भी करनी थी और ऑफिस भी जाना था, तो ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं रही थी। सो इस वजह से कुछ भी चीज़ें नहीं हो पाई, मैं वॉशिंग नहीं करवा पाया, उसकी क्लीनिंग नहीं कर पाया, तो अभी मुझे सबसे पहले उसको वॉश करवाना है। अदरवाइज़ जो जिस तरीके से मौसम चल रहा है, आई बिलीव, मुझे नहीं लगता कि फिर यार उसके चेंज और ये ज़्यादा टाइम अच्छे रहेंगे। सो इट्स बेटर कि मैं पहली प्रायोरिटी पर उसको सही करवाऊँ। तो बस अभी अपने निकले, मुझे एक दो चीज़ें भी लेनी है, वो सारी चीज़ें लेके अपनी बीस्ट को वॉश करा के मस्त चकाचक करके फिर अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रही हमारी बीस्ट जो कि पूरी गंदी हुई पड़ी है भाई साहब, ये देखो यार, लिटरली यार बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कि मुझे यार इस तरीके से मेरी बीस्ट है वो मुझे पसंद नहीं है। सो भाई सबसे पहले हम जाएंगे इसको वॉश करवाएंगे, ठीक है, फिर बाकी के काम ख़त्म करेंगे, बट पहले काम इसको वॉश करवाना, इसको क्लीन करना और सबसे पहले इसको कोल्ड स्टार्ट करना। ये हो चुकी है कोल्ड स्टार्ट, फटाफट निकलते हैं, सबसे पहले पहुंचते हैं अपने वॉशिंग वाले के यहाँ पे। लकीली दुआ करता हूँ, ये देख भाई अभी तक मैंने नहीं, आपको बहुत बार मैं बहुत बहुत सारे व्लॉग्स में बोलता हूँ कि यार जब मैं घर में पड़ा रहता हूँ ना तब बारिश नहीं होती है, पर जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो बारिश पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं कब से उठा हूँ और मैं देख रहा हूँ आज पूरा दिन एकदम सनी डे था, फुल धूप निकली हुई है, मस्त धूप चमक रही है, पर अभी जैसे ही मैं घर से बाहर निकला हूँ भाई मेरी बीस्ट को वॉश कराने के लिए, और ये देखो पूरे बादल आ गए, मतलब हर जगह बादल आ गए हैं, जो कि अभी तक फुल एकदम धूप थी, जो कि देखो यहाँ दिख भी रही है कि कितनी धूप है, पर देखो धीरे धीरे करके बादल आ रहा है,
तो मतलब ये कुछ देर में बारिश भाई आने वाली है, और वो भी मस्त वाली आने वाली है। और ये मेरा नसीब है, जब मैं कहीं निकलता हूँ तो बारिश होना होना और होना ही है। सर यहाँ से अभी हम निकल चुके हैं, और पहले हम पहुँचते हैं फटाफट मेरे वॉशिंग वाले के यहाँ, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है। आते के साथ हर कहीं के रोड इतने खराब हो जाते हैं जैसे रोड पहले कभी था ही नहीं। एक वही जो पॉश एरियाज है, वो पॉश एरिया में अगर देखने जाएंगे तो साला एक खड्डा नहीं मिलेगा। और भाई पूरा डाउनग्रेड एरिया है, वहाँ जाओगे तो इस हद तक के खड्डे मिलेंगे तो वहाँ रोड का ही जल्दी नामो निशान नहीं मिलेगा। ए यार थोड़ू कर दे जल्दी आ जा रहे हो तेरे टाइम। यार अरे नहीं टाइम यार आ जा। चलो यार अभी है ना कहीं और ढूंढना पड़ेगा भाई जहाँ से मेरी वॉशिंग हो सके।